DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. चलती कार में पैर पर चाकू रखकर रील बनाना दो आरोपियों को काफी महंगा पड़ गया है। अपराध शाखा की यूनिट 3 की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। MIDC थाने में इस मामले का प्रकरण दर्ज किया गया है। बुधवार की दोपहर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आरोपी शुभम गजानन निम्बुरकर पंखेड़ी लेआउट निवासी और उसका साथी ऋतिक सुरेंद्र हर ने हरिहर नगर निवासी है। दोनों ही कुख्यात बदमाश है। विविध थानों में उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज है। सोशल मीडिया पर रील डालने के इरादे से मंगलवार को उन्होंने अपने किसी मित्र की कार क्रमांक MH31FA2284 मांगी और मंगलवार को चलती कार में शुभम ने पैर पर चाकू रखकर रील बनाई। सोशल मीडिया पर इसे वायरल होने से पुलिस हरकत में आई। घटना के लगभग 3 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान कार से चाकू के अलावा तलवार भी मिली है, जिससे आर्म एक्ट के तहत MIDC थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निरीक्षक महेश सागड़े के मार्गदर्शन में सहायक निरीक्षक सचिन भोंडे, मुकेश राउत, ईश्वर खोडे, अनिल जैन, अमोल जासूद, अनुप तायडे, संतोष चौधरी और अनिल बोटरे ने कार्रवाई की है। API भोंडे, सचिन भोंडे आणि त्यांचे पथक यांना एक व्हॉट्सॲप फेसबुकवर स्टोरी ठेवलेला एक व्हिडिओ त्यांनी पाहिला। त्यामध्ये एक अनोळखी मुलगा गाडी चालवताना त्याच्या मांडीवर त्याने एक चाकू ठेवलेला दिसत होता आणि त्यामागे एक बॅकग्राऊंड साऊंड वाजत होता, ज्यामध्ये तो दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने कदाचित त्याने तो केलेला असावा। तर मग त्याचा आम्ही मागोवा घेऊन त्याबाबत माहिती काढली असता ऋतिक हरणे नावाचा इसम तो असल्याबाबत आम्हाला माहिती प्राप्त झाली आणि आम्ही त्याचा शोध घेतला असता ऋतिक हरणे आणि शुभम निंबुळकर असे दोघेही आम्हाला मिळून गेले। त्यांच्या ताब्यामध्ये ज्या गाडीमध्ये ती रील बनवलेली होती ती गाडी पण आम्हाला मिळाली, चारचाकी गाडी होती हुंदाई कंपनीची। एक चाकू मिळाला आणि त्याच गाडीमध्ये अजून एक तलवार पण मिळाली। त्या दोघांनाही आम्ही ताब्यात घेऊन ते शस्त्र जप्त करून पोलीस स्टेशन MIDCच्या ताब्यात पुढील कारवाईसाठी दिलेले आहेत। ही रील जी आहे ती पोलीस स्टेशन MIDCच्या हद्दीमध्येच बनवलेली होती आणि हे दोन्ही पण जे आरोपी आहेत ते बॉडी ऑफेंडर्स आहेत। यापूर्वी त्यांच्यावर शरीराविरुद्धचे गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये मर्डर आणि अटेम्प्ट टू मर्डर सारखे गुन्हे पण त्यांच्यावर दाखल आहेत। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। Last batch of 2-year JEE NEET for 10th pass students starts on 15th June. The exclusive batch for state board preparation starts on 25th June. Enroll now. For more details, call